हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित बुक है प्रश्नावली 13.1, इसके क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है पाई का मान 22/7। ठीक है, तो आपको याद रखना है पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, दो घन है उनका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब इन दोनों को मिला देंगे, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम जब दो घन रहेंगे उनको आपस में मिला देंगे तो वो घनाभ बन जाएगा, तो हमें उसका क्या निकालना है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया, दो घन हैं, ठीक है, ये दो घन हैं, इनका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मिला के एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वह हम लिख लेंगे। प्रत्येक घन का आयतन, क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन की भुजा हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे माना घन की भुजा, तो घन की भुजा है इसे हम x मान लेंगे, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, आयतन पे बच्चों हमेशा क्यू चढ़ता है, ठीक है, तो इधर हो जाएगा x का क्यू, यानी कि x की घात 3, ठीक है। अब हम घन का आयतन इधर लिख सकते हैं, x का क्यू बराबर, घन का आयतन कितना दिया है बच्चों, 64, जो यहाँ लिख देंगे हम 64 x, इस पे से क्यू हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 64 का क्यू निकालना है हमें। तो देखिए बच्चों, हम किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से यहाँ पे हम 64 का एलसीएम लेते हैं, 2 से जाएगा 32, फिर 2 से गया 16, फिर 2 से गया 8, फिर 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, 2 से गया 1। क्यू का मतलब होता है बच्चे तीन तीन के जोड़े बनाना, तो यहाँ तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 और ये, तो इस जोड़े में से 2 निकल गया और इस जोड़े में से 2 निकल गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 4, मतलब 4 64 का क्यू है, ठीक है। अब घन का x हमने क्या मानी थी, घन की भुजा, तो हमारी घन की भुजा आ गई, अतः घन की भुजा कितनी आ गई बच्चों, बराबर x, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, घनाभ, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम लिखो दोनों घनों अब देखिए बच्चों, यहां हमने लिख दिया दोनों घनों को मिलाकर बने घनाभ, तो घनाभ यानी कि लंबाई। अब देखिए बच्चों, इसकी भुजा अपने कितनी आई, 4, तो देखो ये दोनों, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगी, अब ये दोनों मिल गए इधर, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि इन दोनों की दुगनी हो जाएगी। तो जैसे कि हमें पता है घनाभ की भुजा कितनी आई है, 4, तो लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, तो 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी लंबाई, ठीक है। फिर आती है चौड़ाई, चौड़ाई को हम लिखते हैं बच्चों बी से, तो चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, तो इसे लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। और होता है ऊंचाई, ऊंचाई को हम लिखेंगे एच से, ये भी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, सिर्फ क्या होगा, इसकी लंबाई दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बस फॉर्मूला लिख देंगे,
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 गुणित एल इंटू बी यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ये क्या हो गया, बी चौड़ाई और एच हो गया ऊंचाई प्लस एच इंटू एल यानी कि ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये इसका घनाभ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें मान रख देते हैं, 2 एल की जगह हम लिख देंगे 8 इंटू बी की जगह 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। आगे करते हैं बच्चों, 2 कोष्ठक में 4 और 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32, 4 चौको 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक है, इन सबको जोड़ देते हैं, 2 गुणित देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, हासिलाई 1 3 और 1 4, 5 6 7 8 80। ठीक है, इन ये इसमें गुणा होगा 2 में, तो जब हम 2 में 80 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16, 160 सॉरी, 2 8 16 और 0 की 0, हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यह सवाल हो चुका है सॉल्व। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।